Hello guys, welcome to the Smart Learning Academy. My name is Viren Singh and in this video tutorial I am going to discuss about the part 2 of the DNA replication quick revision. ठीक है, तो DNA replication के quick revision के बारे में हम discuss करने वाले हैं part 2 इस वीडियो ट्यूटोरियल में. तो बात करते हैं, इससे पहले मैं आपको डिस्कस कर चुका था पार्ट 1 में, सारे फैक्टर्स के बारे में बता चुका था. तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो पहले पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए ताकि आपको इस वीडियो को समझने में प्रॉब्लम ना हो. तो स्टार्ट करते हैं डीएनए रिप्लिकेशन के क्विक रिवीजन के बारे में, प्रोसेस के बारे में बात करते हैं. प्रोसेस कैसा होगा? प्रोसेस होता है इनिशिएशन, इनिशिएशन के बाद इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन के बाद टर्मिनेशन. तीन स्टेप कॉमन होते हैं किसी भी डीएनए, किसी भी मॉलिक्यूलर फंडामेंटल प्रोसेस में, चाहे रिप्लिकेशन हो, चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो या ट्रांसलेशन हो. इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन. ठीक है, तो इनिशिएशन के लिए आपको क्या चाहिए? आपने पहले पढ़ा था इसमें ओराई होता है, तो सबसे पहले ओराई, एक ओराई का रिकॉग्निशन चाहिए. ठीक है, ओराई का रिकॉग्निशन चाहिए, ओराई सी इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. अगर मैं बात करूँ तो ओराई सी का रिकॉग्निशन चाहिए. ये प्रोकैरियोट्स का केस है और ये आपका यूकैरियोट का केस है. तो यहाँ पे ओराई सी का रिकॉग्निशन चाहिए. ओराई सी कैसा होना चाहिए? ओराई सी होना चाहिए आपका डीएनए ए से बाइंड करेगा, डीएनए ए से यहाँ पे बाइंड करेगा. डीएनए ए बाइंड करेगा किससे? ओराई सी से. डीएनए ए बाइंड करेगा ओराई सी से, जैसा कि आपको बताया था. किस यूनिट पे बाइंड करेगा ओराई सी के? 9 मर यूनिट पे. ठीक है, और स्टार्ट करेगा 13 मर से मेल्टिंग, जो कि आपको बताया जा चुका है. डीएनए बी, जैसे ओराई को रिकॉग्नाइज कर दिया गया, अब मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है. तो कौन आएगा? आएगा डीएनए बी, जिसका नेचर क्या होता है? डीएनए बी का हेलिकेज नेचर होता है. डीएनए बी हेलिकेज नेचर का होता है. जब हेलिकेज नेचर का होता है डीएनए बी, तो ये क्या करेगा? ये डीएनए जो आपका डबल स्टैंडर्ड होता है, इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके ये लूप का फॉर्मेशन करेगा, ये ओपन करेगा लूप, एक तरीके से ओपन करेगा हेलिक्स को, ताकि जो आपका रिप्लिकेशन है वो स्टार्ट हो सके. ठीक है, तो डीएनए बी का काम होता है हेलिकेज, दैट विल ओपन द हेलिक्स. हेलिक्स को ओपन किया, हेलिक्स को ओपन करने के बाद डीएनए जी आएगा. डीएनए जी आएगा, डीएनए जी का काम क्या होगा? पहले ये आपका प्राइमेज होता है. प्राइमेज होता है मतलब किसकी सिंथेसिस करेगा? प्राइमर की सिंथेसिस करेगा. प्राइमर क्या प्रोवाइड करता है? 3' OH प्रोवाइड करता है प्राइमर, ताकि नए न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हो सके. ठीक है, इस प्राइमर फॉर्मेशन के बाद, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड रीवाइंड ना कर जाए, दोनों स्ट्रैंड रीवाइंड ना कर जाए, क्या आएगा? सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन. दोनों स्ट्रैंड रीवाइंड ना कर जाए, उसके लिए आएगा सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन. एंड जैसे ही सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन आएगा, क्या होगा? यहाँ पे बाइंड कर लेगा प्राइम आपके दोनों स्ट्रैंड पे, ये दोनों सिंगल स्टैंडर्ड पे बाइंड करके डीएनए रिप्लिकेशन को रोक देगा. एक डीएनए रिप्लिकेशन के प्रोसेस में दोनों डीएनए की रीवाइंडिंग को रोक देगा. ठीक है, अब उसके पास इलॉन्गेशन स्टार्ट हो जाएगा. आपके पास इलॉन्गेशन स्टार्ट हो जाएगा. तो ये रहा प्रोकैरियोट के केस में ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन. अगर मैं यूकैरियोट की बात करता हूँ, ठीक है, अगर यूकैरियोट की बात करता हूँ, तो यूकैरियोट की बात करें तो इसमें क्या आता है? इसमें ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, दैट इज द ARS, ऑटोनॉमस रिप्लिकेटिंग सिक्वेंस, जो बताया गया था, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, ऑटोनॉमस रिकॉग्निशन सिक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है, रिप्लिकेटिंग सिक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए CDT और CDC6 आते हैं, दो ऐसे प्रोटीन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं. आपको बताया था कि MCM के पास ATPase एक्टिविटी नहीं होती, वो ATPase एक्टिविटी क्योंकि हेलिकेज को हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना है. जब बॉन्ड ब्रेक करना है तो उसको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी यूटिलाइज करता है ATP को ब्रेक करके. तो ये CDC6 जो होता है, ये CDC6 ATP को यूटिलाइज करेगा. ठीक है, ATP को यूटिलाइज करेगा, और इसके पास ATPase एक्टिविटी होती है, और ये CDC6 फिर MCM को रिक्रूट करेगा. जब तक CDC6 बाइंड नहीं करेगा ARS ऑटोनॉमस रिप्लिकेटिंग सीक्वेंस पे, तब तक MCM बाइंड नहीं करेगा. जैसे यहाँ पे जब तक DNA A बाइंड नहीं करेगा, DNA B नहीं आ सकता, उसी तरीके से MCM कॉम्प्लेक्स पहले बाइंड करना जरूरी है, फिर जाके आपके पास पॉलीमरेज अल्फा आएगा. ठीक है, अब पॉलीमरेज अल्फा का काम क्या था? जैसे यहाँ पे DNA जी का काम था प्राइमेज सिंथेसिस, तो डीएनए अल्फा जो होगा प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा. फिर यहाँ पे SSB प्रोटीन, जो कि यूकैरियोट में इनको बोला जाता है रिप्लिकेशन प्रोटीन ए, इस रिप्लिकेशन प्रोटीन ए आएगा, और ये क्या करेगा आपको? ये दोनों स्ट्रैंड को रीवाइंड करने से रोक के रखेगा. ठीक है, तो आप उस तरीके से समझ सकते हैं कि ये क्या होगा. यहाँ पे आपके लिए ये रहा इनिशिएशन पार्ट रिप्लिकेशन में प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. ओके,
चलिए तो एक बार बात करते हैं इलॉन्गेशन के लिए। इलॉन्गेशन की अगर बात करें तो इलॉन्गेशन में क्या होता है, इलॉन्गेशन की बात करें इलॉन्गेशन में पॉलीमरेज थ्री बाइंड करेगा, पॉलीमरेज थ्री बाइंड करेगा कहाँ पे, प्राइमर के पास, और डायरेक्शन की सिंथेसिस जो होगी वो हमेशा 5' to 3' होगा, और चाहे ओका जाकी फ्रैगमेंट लीडिंग स्ट्रैंड हो चाहे लैगिंग स्ट्रैंड हो, दोनों की सिंथेसिस हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में होता है। और पॉलीमरेज थ्री जो होता है वो Mg2+ रिक्वायर्ड होता है, ये Mg2+ रिक्वायर्ड होता है इसके लिए पॉलीमरेज थ्री के फंक्शनिंग के लिए। और उसके बाद अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो एग्जैक्टली पॉलीमरेज एप्सिलॉन लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस के लिए होता है और पॉलीमरेज डेल्टा लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस के लिए, इसके लिए भी Mg2+ रिक्वायर्ड होता है। और बात करते हैं टर्मिनेशन के लिए, तो टर्मिनेशन के लिए आपके पास एक टर्स प्रोटीन होता है दैट विल बाइंड टू द टर्मिनेशन साइट, जिसको टर साइट बोलते हैं, टर्मिनेशन साइट पे बाइंड करता है और ब्लॉक्स द मूवमेंट ऑफ DNA B। DNA B क्या नेचर है, जैसा कि आपको यहाँ पे बताया था मैं, DNA B का जो नेचर है वो होता है हेलिकेज का, हेलिकेज का नेचर होता है, तो हेलिकेज के मूवमेंट को रोक देता है। और जैसे हेलिकेज के मूवमेंट को रोकेगा, जैसे ही हेलिकेज के मूवमेंट को रोकेगा तो जो आपका टर्स प्रोटीन होता है वो बाइंड करता है, वो बाइंड करता है कहाँ पे, वो बाइंड करता है टर्मिनेशन साइट पे, जहाँ से DNA रिप्लिकेशन को टर्मिनेट करना होता है। बाइंड करने के बाद वो क्या करता है, वहाँ से हेलिकेज के मूवमेंट को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, हेलिकेज के मूवमेंट को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से टर्मिनेशन जो होता है वो हो जाता है। DNA रिप्लिकेशन का टर्मिनेशन अगर यूकैरियोट की बात करें तो अभी एग्जैक्टली नहीं पता है कि यूकैरियोट में जो रिप्लिकेशन का टर्मिनेशन होता है वो कैसे होता है। ओके, तो DNA रिप्लिकेशन का टर्मिनेशन यूकैरियोट्स में एग्जैक्टली फुली नोन नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसका टर्मिनेशन जैसा कि प्रोकैरियोट में होता है उसी तरीके से टर्मिनेशन होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि एक बार फिर से अगर सिंपली बात किया जाए, ठीक है, तो कैसे रिवाइज करते हैं, एक बार प्रोसेस को एक बार फिर से मैं समराइज करता हूं, रिवाइज करता हूं ताकि आपको याद हो जाए चीज़ें। तो बात करते हैं कि आपके लिए क्या होता है, प्रोकैरियोट केस की बात करें, अगर प्रोकैरियोटिक केस की बात करें तो प्रमोटर रिकॉग्निशन के लिए चाहिए ओआरआईसी को रिकॉग्नाइज करता है, नॉट प्रमोटर, ओआरआईसी को रिकॉग्नाइज करेगा। उसके बाद आएगा DNA B, जिसका नेचर होता है हेलिकेज का, वो हेलिक्स को ओपन करेगा, ओपन करते प्राइमेज बाइंड करेगा जो कि DNA G होता है, प्राइमेज प्राइमर के सिंथेसिस करता है, और उसके बाद बाइंडिंग होती है किसकी, SSB सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन की, और सिंथेसिस प्राइमर का होता है। प्राइमर होने के बाद इलॉन्गेशन स्टार्ट हो जाता है, दिस इज इन द प्रोकैरियोट्स। अगर यूकैरियोट की बात करें तो यहाँ पे जो ओराई या ARS सीक्वेंस का रिकॉग्निशन होता है वो होता है CDC6 और CDT से। CDC6 ATPase एक्टिविटी शो करता है, और जब तक CDC6 बाइंड नहीं करेगा, यहाँ का हेलिकेज बाइंड नहीं करेगा MCM, और MCM बाइंडिंग इज डिपेंडेंट अपॉन द CDC6। MCM बाइंड करेगा, बाइंड करते ही हेलिक्स ओपन होगा, यहाँ से ओपन होगा, हेलिक्स होने के बाद क्या होता है, प्राइमेज बाइंड करेगा, और प्राइमेज यहाँ एक्ट करता है DNA polymerase alpha जो कि प्राइमर का सिंथेसिस करेगा। प्राइमर सिंथेसिस के बाद CSIR प्रोटीन बाइंड करेगा, रेप्लिकेशन प्रोटीन ए होता है यूकैरियोट में, बाइंड करने के बाद वो क्या करेगा, पॉलीमरेज की आप उसके बाद पॉलीमरेज बाइंड करके इलॉन्गेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब बात करते हैं इलॉन्गेशन में कि पॉलीमरेज थर्ड होता है, यहाँ पे लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड दोनों के लिए Mg2+ रिक्वायर्ड होता है, लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड दोनों आपकी सिंथेसिस करता है, और दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, दैट इज 5' to 3' डायरेक्शन में, ठीक है। एंड इन द यूकैरियोट्स पॉलीमरेज एप्सिलॉन फॉर द लीडिंग एंड पॉलीमरेज डेल्टा फॉर द लैगिंग स्ट्रैंड। टोपो आइसोमरेज होता है, जब भी एलोंगेशन होता है तो हेलिकेज DNA को कट करता रहता है, तो ड्यूरिंग द कटिंग क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव सुपर कॉइलिंग दोनों होता रहता है, तो जनरली रिमूव करने के लिए सुपर कॉइलिंग को टोपो आइसोमरेज यूज होता है, ठीक है, टू रिमूव द सुपर कॉइलिंग, तो टोपो आइसोमरेज यूज होता है। और उसके बाद टर्मिनेशन की बात करें तो टर्मिनेशन प्रोकैरियोट में टर्स प्रोटीन से होता है, टर्स प्रोटीन टर्मिनेशन साइट पे बाइंड करेगा एंड ब्लॉक द मूवमेंट ऑफ DNA B, और DNA B का मूवमेंट ब्लॉक कर देता है। उसके बाद हेलिकेज जो आप हेलिकेज मूव नहीं कर पाता, DNA को कट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होगा, DNA रिप्लिकेशन टर्मिनेट हो जाएगा। सो दिस इज द DNA रिप्लिकेशन क्विक रिविजन Part 2 गाइस। सो होप कि आपको समझ में आया हो। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे, जहाँ पे प्लस पे लाइव पढ़ाता हूँ मैं, ऑल लाइव एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, लेसन्स बाय ऑल टॉप एजुकेटर्स आपको मिलेंगे, सिर्फ मैं ही नहीं, और वीकली क्विजेस और डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं।
तो आप फॉलो करिए। और जब भी अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करते हैं, प्रोसीजर आपको बताया जा चुका है पहले की वीडियोस में। डोंट फॉरगेट टू यूज द रेफरल कोड, दैट विल गिव यू द 10% डिस्काउंट। VIREN एज अ रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।